ये मैट पे सिरामिक की हुई है एंड वो ग्लोसी में सिरामिक की हुई है, एंड दोनों का ही सिरामिक जो होता है डिफरेंट आता है। तो अभी आप देखते हैं गनमेटल ग्रे का जो एसडी लुक है, उभर के जो लुक आ रहा है ना। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्लू, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज जो है हम सिरामिक करने वाले हैं अगेन मैट में। ये गनमेटल ग्रे है डार्क एडिशन क्लासिक रिबॉन की, एंड दोस्तों इसमें आज सिरामिक करने वाले हैं पूरा। आप देखते हैं ये टोटली मैट है अभी, एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिरामिक आज इस पर करने वाले हैं। सिरामिक के सारे स्टेप बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने जो स्टेल्थ ब्लैक में है सिरामिक करके बताया था आपको, एंड आज गनमेटल ग्रे में भी जो है सिरामिक करके दिखाऊंगा। इसकी जो एसडी क्वालिटी जैसा जो कलर आएगा ना, लुक आएगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज, एंड प्रोसेस भी आज जो इस वीडियो में दिखाएंगे हम। तो दोस्तों सिरामिक स्टार्ट करें उससे पहले अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों सीट रिमूव कर दी गई क्योंकि ये भी जो है मैट पार्ट है, तो इसको भी हम सिरामिक करने वाले हैं। टैंक में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ फ्रंट मड गार्ड में भी होगा। यहाँ पे जो हमको कंपाउंड थोड़ा सा मारना पड़ेगा ताकि जो माइनर स्क्रैचेस हैं वो निकल जाएँ। एंड अभी ये देख रहे हैं बहुत ही डस्ट है बाइक में, तो इसमें प्रॉपर मैट जो है फोम वॉश होगा इसमें पूरा, एंड ये एरिया में भी जो है हम यहाँ पे कंपाउंड पॉलिशिंग करेंगे, उसके बाद में जो है यहाँ पे सिरामिक लगाया जाएगा। तो ईच एंड एवरी पार्ट जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, इस हर एक जगह पे जो है सिरामिक लगने वाला है, एंड मैट सिरामिक इस एरिया में आ जाएगा। मैट पे मैट सिरामिक, और जो क्रोम जो ये पार्ट है जो नॉर्मल पार्ट है, यहाँ पे जो है आपको सिरामिक नॉर्मल सिरामिक जो ग्लोसी वाला आता है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। एंड पूरी बाइक जो है पूरा प्रोसेस से बताया जाने वाला है, पहले इसको वॉशिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी वॉश करने वाले हैं इसके अंदर, एंड मैट पे हमेशा याद रखिए, मैट पे हमेशा मैट वॉश ही करवाइए अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए। जो मैट पेंट की ड्यूरेबिलिटी है, जो सिरामिक करा रहे हैं वो भी, जो नहीं करा रहे हैं वो भी, दोनों को ही मैं रिकमेंड करूँगा कि मैट पे मैट का सिरामिक करिए, ग्लोसी पे ग्लोसी का। क्रोम पे तो आप कोई भी करा सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम नहीं आती नॉर्मली उसमें। ये देखिए दोस्तों, मैट अगर शैम्पू मस्त है ना, तो इस तरह का इफेक्ट जो आपको दिखने वाला है। अभी कोई कपड़ा भी नहीं मारा है, कुछ भी नहीं मारा है, जो भी है वो सिर्फ शैम्पू ने ही काम किया है, आप हर जगह देखेंगे। तो दोस्तों बाइक जो है ड्राई हो चुकी है, अभी जो है सिर्फ हार्ड कट कंपाउंड जो है इस ग्लोसी पार्ट पे लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा हल्के फुल्के जो भी स्क्रैच हो वो रिमूव हो जाए, एंड जितनी ग्लोसी है फ्रंट जंप, और ये आप देख रहे हैं हार्ड कट कंपाउंड यहाँ लग रहा है, एंड ये फ्रंट जंप का जो कवर है यहाँ पे लग जाएगा ऊपर की तरफ। मैट पे कोई भी आपको कंपाउंड पॉलिशिंग नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट जो है वो सिरामिक जो है अप्लाई होगा इस एरिया पे। तो जो सिरामिक जो है मैट पे भी करना अप्लाई करना शुरू कर दिया गया है, एंड अभी आपको हल्के फुल्के शाइनिंग दिखेगी, बट कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा ये शाइनिंग जो है आपको नहीं दिखाई देगी। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर किया था, लास्ट वीडियो का लिंक भी जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ पहले ही कि मैट का सिरामिक जो होता है वो अलग आता है, ग्लोसी का अलग आता है। तो मैट और ग्लोसी में जो है कन्फ्यूजन मत होइए, स्पेशल अगर कोई कर रहा है तो ही करवाइए। एंड जामनगर के जो हैं, जामनगर के आसपास के हैं, वो तो ओशन कार्स पार्ट डिटेलिंग में आ ही सकते हैं, उसका एड्रेस दे ही दूंगा मैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सिरामिक अप्लाई करते हैं मैट का, उसके बाद आपको एक मिनट के आसपास जो है थोड़ा सा ड्राई होने देना, उसके बाद आप जो है उसको माइक्रोफाइबर क्लोथ से क्लीन कर दीजिए, एंड उसके बाद डिटेलिंग आना शुरू हो जाएगी। जो ग्लोसी दिख रहा था, ये जो ग्लोसी आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस जो है मेजरली दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पे ग्लोसी है और यहाँ पर प्रॉपर मैट हो गया। तो मेन फ़ायदा इसका जो है ना, बेनिफिट है, वो मैट की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करना है। मैट की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ होती है अगर आप सब कितना भी मेंटेन कर लीजिए, कितना भी मेंटेन कर लीजिए, एक साल डेढ़ साल तक आप जो है नॉर्मली करते हैं, अगर सिरामिक अगर लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल जो है आप आराम से जो है मैट को मेंटेन कर सकते हैं।
अभी जो है जो सिरामिक हमने मैट पे किया था वो हम ग्लोसी पे नहीं कर रहे हैं, इसमें जो है हम सेम जो ग्लोसी बाइक में आता है वो नॉर्मल वाला जो सिरामिक है 10H वो हम करने वाले हैं। हालांकि ये भी 10H ही है जो हमने मैट पे किया है, मगर वो मैट का स्पेशल है। मैं अगेन स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को इस पर कन्फ्यूजन होता है, नॉर्मल सिरामिक मैट पे मत कराना, बाइक ग्लोसी हो जाएगी, फिर बाद में मुझे कंप्लेन करेंगे आप लोग। तो दोस्तों फाइनली सिरामिक मैट पे जो है हो चुका है गन मेटल ग्रे, बहुत ही सेक्सी लग रही है। वैसे तो जब BS4 में ये कलर आया था तो मेरी फेवरेट कलर थी, मेरे पास हालांकि गन मेटल ग्रे थी। तो अभी आप देख सकते हैं गन मेटल ग्रे का जो SD लुक है, उभर के जो लुक आ रहा है ना वो आप देख सकते हैं। ये देखिए हालांकि इधर भी सिरामिक हो चुका है बट वो ग्लोसी वाला हुआ है, इस पार्ट पे भी हुआ है, ये देखिए। अब इससे क्या होगा, स्क्रैचेस भी कम दिखेंगे, साथ ही साथ जो है मैट की लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। एक हल्की माइक्रोन की लेयर जो है वो मैट के ऊपर बन जाती है, जो घिसना होगा ना वो सिरामिक घिसेगा ना कि पेंट, तो उससे ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे अगर आप यार ऐसे पेंट पे खर्चा कर रहे हैं, जब आप नॉर्मल अगर आप हेल्सियन लेते ग्रीन या कोई और दूसरा कलर लेते, उससे आप कम से कम 5-6 हज़ार 10 हज़ार जो है एक्स्ट्रा डाल ही रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिरामिक करवा ही लीजिए। सिरामिक करवाते हैं तो बाइक की लाइफ इंक्रीज होती है। अगर आपको PPF कराना है तो वो भी बहुत सही चीज़ है, और सिरामिक कराना है तो वो भी बहुत सही चीज़ होती है वो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जो अभी हमने वर्किंग की है, जिसमें ये मैट पे सिरामिक की हुई है एंड वो ग्लोसी में सिरामिक की हुई है, एंड दोनों का ही सिरामिक जो होता है डिफरेंट आता है। इसलिए बता रहा हूँ कि ग्लोसी पेंट में जो है शाइनिंग वाला सिरामिक आता है, एक क्लियर कोटिंग जो इस पर लगती है, एंड मैट पे जो सिरामिक आता है वो मैट काइंड ऑफ सिरामिक होता है जो कि एक लेयर जो है क्रिएट करता है मैट का, ठीक है। तो ये ही दोनों में डिफरेंस होता है, एंड इस पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइए। लोकल जगह पे अगर आप करवा रहे हैं तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी सिरामिक आपको नहीं लगाना है, मैट का स्पेशल सिरामिक लगा रही है, एंड ग्लोसी में जो है ग्लोसी का सिरामिक जो है, दोनों में ये डिफरेंस मेंटेन रखिए। एंड सिरामिक कराने से एक चीज़ तो आपको मालूम है कि हाइड्रोफोबिसिटी मिलती है, मतलब जैसे पानी वानी गिरा तो वो रुकता नहीं है, कोई वाटर मार्क नहीं आता, वो डायरेक्ट जो है पेंट में से निकल जाता है, तो ये तो फ़ायदा होता ही होता है। दोस्तों आई नो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने वाले कि मैट का सिरामिक का प्राइस क्या होता है, तो दोस्तों 5,000 रुपीज में पूरी बाइक जो है हो जाती है, इंक्लूडिंग ये ग्लोसी पार्ट जो है वो सब जगह जो है आपका हो जाता है, इवन हेडलाइट पे भी आपने देखा होगा, मैंने हेडलाइट पे भी करवाया है। तो 3,500-4,000 के आसपास में ग्लोसी होता है और 5,000 के आसपास जो है आपका ये मैट हो जाता है, तो यही बाइक में डिफरेंस होता है। हालांकि कार में अगर कराना चाहते हैं तो कार में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो अगर आप चाहें तो कार में भी करा सकते हैं, बाइक में भी करा सकते हैं, और सबका जो है डिटेल के लिए मैं आपको यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, जामनगर का ओशन कार स्पा का, वहाँ पर आप डायरेक्टली करा सकते हैं आसपास के। एंड अगर बाकी और किसी सिटी में कराना है तो दोस्तों किसी भी कार डिटेलिंग स्पा जो होता है, जहाँ पे कार डिटेलिंग का वर्क होता है, वहाँ पर आप जाके जो है ऐसा करवा सकते हैं, वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। नॉर्मली ये सिरामिक का और बाकी सब में ग्लोसी बाइक्स में जो सिरामिक्स होते हैं, कोटिंग्स होती हैं, वो वहाँ पर नॉर्मली आपको मिली जाती हैं। एंड दोस्तों आई होप आपको कंप्लीट वीडियो डिटेल मिल चुका होगा, यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट प्रूफ, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।